चलिए चलते हैं हम चोर बाजार में। ये ईयरबड हमें मिल रहे थे 300 रुपए के। यहाँ हमें मिल रहे हैं नेक बैंड, वॉच, गोप्रो और स्पीकर। आप कोई सा भी आके प्रोडक्ट ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में। तो पहुँच जाते हैं DSLR की शॉप पे, जो कि 4000 से स्टार्टिंग थी। यहाँ पे गोप्रो था वो 2000 का दे रहा था और जो ड्रोन है वो 8000 का। ये जो चोर बाजार है ये ठीक जामा मस्जिद के सामने लगती है और यहाँ पे आप पैंट भी आके ले सकते हैं, जीन्स पैंट भी यहाँ मिल जाती है और यहाँ की मार्केट की भीड़ देख सकते हैं। अक्सर यहाँ पे इतवार के दिन इतनी ही भीड़ होती है, रविवार के दिन आप यहाँ आके मार्केट का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जामा मस्जिद है और आगे बाजार लग रहा है, ये ऐसे ही जामा मस्जिद के सामने लगता है। यहाँ पे एक अंकल मिलते हैं जो कि GoPro 1500 रुपये में बेच रहे होते हैं और कहते हैं कि बकायदा आप चेक करके लेके जाएं। उनके पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वॉच हो गए, बैंड हो गया, स्पीकर हो गया। ये JBL का स्पीकर ये 300 रुपये का दे रहे थे और ये जो वॉच है वो 800 रुपये की दे रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे और भी चीज़ें हमें देखने को मिली, बट हमने कहा कि चलिए आप हमें GoPro ही दिखाइए, तो हम इनसे GoPro की मांग करते हैं कि आप हमें GoPro दिखाइए। और 8 सीरीज़ की वॉच रखी हुई है बट हम GoPro देखेंगे, तो ये हमें GoPro देते हैं और कहते हैं कि चेक कर लो। इस GoPro के सेट के अंदर इसका पूरा SSD अवेलेबल था। हमने फिर इस GoPro को देखा जिसकी क्वालिटी 2000 की कीमत में काफ़ी रीजनेबल थी और 2000 की रेंज में ये ज़्यादा महंगा नहीं था, बट हमने फिर भी तोल मोल करा और 1200 रुपये में इनसे बात करी। अरे भाई, घर के मीटर कौन चुराता है। फिर हमने देखा हेयर ड्रायर मिल रहा है, फिर आए हम आगे तो स्पीकर मिल रहे थे। देखिए ये जामा मस्जिद है, उसके ठीक सामने ये बाज़ार लगता है। यहाँ पे ये जितने भी आप ऊपर से कर्टन देख रहे हैं ये सारे, इन सब के नीचे ये लोग बाज़ार लगाते हैं। अभी हम जल्दी आ गए, इससे बाज़ार लगा नहीं है, थोड़ा हम आगे चले तो ये रास्ता जो है यहाँ पे आपको लैपटॉप मिल जाते हैं। यहाँ पे कैरी बैग भी अच्छे अच्छे हैं और यहाँ पे घर के बहुत सारे इक्विपमेंट भी हमें देखने को मिले, एंटी पुराने। और ये इसमें सारा कबाड़ था, बट इस कबाड़ का आप कोई भी सामान 50 रुपये में ले सकते थे। यहाँ से इस कबाड़ के अंदर से आप छाट के जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, हमें तो इसमें कुछ अच्छा मिला नहीं। यहाँ पे कैमरे भी रखे थे, भाई साहब कैमरा कौन चुरा। फिर हमें देखने को मिलते हैं कुछ शूज़, और ये शूज़ भी बहुत अच्छे ब्रांड के लगे हुए होते हैं, नाइकी के, एडिडास के। अरे भाई साहब, यहाँ पे कच्छे भी मिलते हैं, कच्छा भी चोरी होता है क्या। कच्छों पे भी चोर बाजार का प्रिंट छपा हुआ था। घूम फिर के हम फिर से DSLR की शॉप के पास आ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे DSLR मिल जाते हैं आपको, और एक ड्रोन भी यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। DSLR की रेंज ये लोग 4000 से स्टार्टिंग की बताते हैं। हमने यहाँ देखी एक अल्ट्रा 8 सीरीज़ की वॉच, जो कि 1200 रुपये बता रहे थे और ये वर्किंग कंडीशन में भी थी, बट इस रेट में इसे और भी आप बार्गेनिंग कर सकते थे। एप्पल की वॉच तो यहाँ ऐसे रखी है जैसे बच्चों के खिलौने रखे होते हैं दुकानों में। पहले तो ये इसका रेट 1200 बताते हैं, बट फिर ये 700 रुपये में मान जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरे एक दोस्त को शूज़ पसंद आता है, और ये शूज़ ये 750 रुपये की बता रहे थे, जो कि नाइकी की फर्स्ट कॉपी थी। मेरे दोस्त को ये शूज़ पसंद आता है जिसका रेट इन्होंने 1500 रुपये बताया, बट 700 में मान गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, और रविवार के दिन यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को पैर रखने की जगह भी नहीं होती। ये बाज़ार सिर्फ रविवार को लगता है ना, आप मेट्रो से यहाँ पे जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन उतर के आ सकते हैं। यहाँ पे ये ईयरबड्स 550 रुपये की कह रहे थे, बट 350 रुपये मैंने इसका लास्ट प्राइस बताया। ये बोट के एयरपोर्ट ये भी इसके 700 रुपये प्राइस बता रहे थे। फिर हमें मिलती है रोलेक्स की वॉच, जो कि 2.5 लाख की है। नहीं, ये यहाँ पे 1200 रुपये की बेचते हैं। ये लॉक लैपटॉप आपको 3000 का मिल जाएगा। यहाँ का स्टैंड और फ़ोन के स्टैंड आपको 80 रुपये में मिल जाते हैं। नेक बैंड का प्राइस ये 400 रुपये बताते हैं, बट 200 रुपये में दे देते हैं। और ये जो वॉच है ये भी ये 600 रुपये में दे देते हैं, बट इसकी क्वालिटी पे मुझे डाउट होता है, इसलिए मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। और यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास 30 रुपये के मिल रहे थे। फिर ये एक वॉच की शॉप पे जाते हैं जहाँ पे हम GoPro भी देखते हैं और वॉच भी पसंद आती है हमें, तो मैं एक वॉच यहाँ से परचेज कर लेता हूँ। सारा सामान लेके मैं वापस मार्केट की ओर आता हूँ और देखता हूँ भाई साहब इतनी भीड़, ओहो। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे घर के अप्लाइंसेस मिल रहे होते हैं और शैम्पू 100 रुपये के। पुलिस वाले आ जाते हैं इतनी देर में और यहाँ मचता है भौकाल और फिर भगदड़ मच जाती है मार्केट। मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, मैं खाता हूँ चाउमीन। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।